with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. Saadhan si hai ye baat, pariksha karni hai pass. Rok ke rakhna apni saans, apni ek hi aas, ek hi aas. Pija sare mantra aur rat le sare formula. Jab tak paar lage na nahi hai, tab tak rest na tule. To is baar tu aad de, 6 foot andar gaad de, aasma ko faad de, zor se dahaad de, andar ki awaaz sun jo tere bhitar aayi hai. Zor laga tu zor laga. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Tu kaane hai badi, inki bhokte bada bhari hai. Bika hai pakwan, inka shiksha ke vyapari hai. Ek number tera kaam fees yahan bahut zyada hai. Tu baakiyon se piche hai, tu dekho kitna niche hai. Uske baap ka sikka chalta hai, tere baap ko aata sikke hai. Mat sun inki ye dhun, inki tu badhta ja, bas ladta ja. Crack karte ja, crack karte ja. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor de laga. हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा. क्या तेरा भाई, तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा. हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग. दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो. ठीक है, आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है. 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ग्रामर क्वेश्चंस, हाईएस्ट लेवल. ठीक है, अगर आप ये करना सीख गए हो तो छोटी मोटी एरर वैसे ही सीख जाओगे. इन सच क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करता है पैरेललिज्म, मॉडिफायर, यू नो, कंडीशनल सेंटेंस, बड़े बड़े लेजेंडरी ग्रामर रूल्स, और छोटे मोटे भी होंगे, समझ गया. तो ये पूरी पूरी कहानी है, खुद में एक यूनिवर्स है. एंड आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स. ठीक है, एज ए रिक्वेस्टेड कि आई वॉन्ट यू टू लाइक मेक अ सेपरेट, यू नो, क्लियर नोटबुक के, हाँ, उसमें सब कुछ लिखा हो कितने ग्रामर रूल्स हम इस सीरीज में हम पूरे करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 15 वीडियो सीरीज, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और आगे चलेगा तो हम आगे भी करेंगे. एक बार सब लोग वीडियो शेयर कर दीजिए. अर्पित भारती, आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू ब्रदर. ऑलराइट, हेलो हेलो, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं. आर यू रेडी फॉर द चैलेंज. आज लेट से अगर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 15 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो डू यू एक्सेप्ट माई चैलेंज कि सर 10 आउट ऑफ 15 तो अपन पक्का करेगा. आई कैन ईजिली सॉल्व. आई एम अ वॉरियर सर. ठीक है, आई एम अ सोल्जर. हसन साहब कैसे हैं सर, आपका KVC वाला वीडियो दिल जीत लेता है. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, सीखते रहो और सबको सिखाते रहना. ठीक है, जो मुझसे सीख के जाते हो, चाहे छोटी सी बात हो बड़ी बात, घर में किसी पे भी अप्लाई करो, दोस्त पे अप्लाई करो, किसी को पढ़ाओ जा करके, अपने फ्रेंड पे अप्लाई करो. ठीक है, सो दिस इज कामयाबी बैच. आज इसका क्लास है 4 PM पे. ठीक है, ऑलराइट. और ये हमारा टीम नासा कोड है, जिसको भी कोर्स खरीदना है, सब्सक्रिप्शन लेसन आप ले सकते हैं. ठीक है, इंडिया के टॉप फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो एनी टाइम. चलिए, दिस इज माई प्रोफाइल गाइज, आप इसे फॉलो कीजिए. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, लेटेस्ट जो प्रोफाइल है उसमें एक ब्लू टिक आया हुआ है, इस तरह से किसी ने नोटिस किया है, द ब्लू टिक.
आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दैट ब्लू टिक द वेरीफाइड एजुकेटर. सो हम लोगों की भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं. एंड चलिए पापा बुला लिए बात करने के लिए. पापा को बोलो बातें ज़रूरी है या पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन केयरफुल होके बोलना. पता चला उन्होंने डांट दिया कि बेटा हमको पता है तुम कितना पढ़ती हो. अभी गोयल श्योर मेरे को रिक्वेस्ट करना, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ. जो जो वीडियोस में प्रॉमिस करता हूँ ना, कीप रिमाइंडिंग मी, आई विल मेक अ वीडियो. आज का डेली टास्क है हमारा 2 बजे का क्लास, 3 बजे का क्लास, ठीक है? फ्री क्लास, फ्री लाइव क्लास. दिस इज प्लस क्लास और दिस इज ऑल्सो फ्री क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. ऑलराइट, थैंक यू गाइज, द वे यू रिस्पॉन्ड टू माई स्टोरी, सो थैंक यू सो मच. नाउ इट्स योर टाइम, गो. क्वेश्चन पूछो, आस्क मी द क्वेश्चन, ओके? बस अभी थैंक यू मॉमी, थैंक यू सुमन, थैंक यू विक्रम जी, श्रुति गुप्ता जी, थैंक यू. योर विशेस मीन्स अ लॉट टू मी. श्रुति गुप्ता, तो मैडम अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे बार बार याद दिलाओगे. अभी गोयल, इफ़ यू वॉन्ट प्रोफेशनली हाउ टू टॉक, ठीक है? एक अमित कुमार यादव आता है, उसने रिक्वेस्ट किया है कि आपकी जैसा फ्लुएंसी कैसे लेके आए, तो वो वीडियो मैंने डिसाइड किया हुआ है. हम डेली इतना काम करते हैं कि छोटे वीडियोज भूल जाते हैं. सो प्लीज़ कीप रिमाइंडिंग मी, इट्स योर टास्क, आई विल नेवर माइंड, ओके? कीप रिमाइंडिंग मी. Be quick. Yes, always leave offline comment. कोई एरर बता सकता है, कौन सी वाली एरर है ये? और मैं द हिंदू में पढ़ाया हूं. हसन इमाम सब आए हुए हमारे बीच में. दोस्त बताइए, आप मेरा द हिंदू फॉलो करते हैं तो इस एरर को आप जानता होगा. कम ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड जॉब. तुम कैसे सही ढूंढ लेता है, आई एम सरप्राइज्ड, बट देन अगेन यू आर माई गाय, ओके? बट फिर भी मतलब एक फंसने के चांस भी होते हैं ना, बट आप फिर भी कर लेते हो. इस पर 2-3 ग्रामर के रोल डिस्कस करना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, ठीक है? ऑल राइट, बफरिंग तो नहीं हो रहा है गाइज, ऑल इज वेल ना आई गेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, डिड यू नोटिस बैगाबॉन्ड आवारा पागल दीवाना? कितने लोगों को हमारा बैगाबॉन्ड दिखा इधर? हैशटैग बैगाबॉन्ड टाइप कीजिए. दोस गाइज हु डोंट नो व्हाट इज बैगाबॉन्ड, प्लीज आस्क. तुम पूछेगा तभी तो सीखेगा, ओके? तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा. पूछिए. बैगाबॉन्ड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इन ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी, वी कॉल इट मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एक्मी द फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट कंपनी, कंपनी का नाम है. अपोजिशनल, अपोजिशनल माई फ्रेंड, यहां पर देयर इज अ वर्ड रिटन हियर. The definition of that word comes after the comma. Oppositional, oppositional, oppositional fan in the house, make some noise. Language कैसे लिखा जाता है उसे observe करना सीखो. All right. So vagabond means, ठीक है, such words. ठीक है, those words were supposed to be written here, but they are written there. Your best friend. Your husband, your wife, your brother, sister, your family member supposed to support you, sit next to you. आपको Nobel Prize मिल रहा है. Your family supposed to sit next to you, support you, hold your hands in the time of the need of the hour. But your friend, your loved one, उसको कोई और दिख गया, उससे बातें कर रहा है. आपको छोड़ के कहीं और चला गया. Vagabond, आवारा. ओके, मिसप्लेस्ड हो गया.
that person was supposed to hold your hand and sit next to you, you are getting Nobel Peace Prize, Nobel Science Prize, whatever. ठीक है, बैगाबॉन्ड। चलिए, द फैमिली एंटरटेनमेंट कंपनी हैज़ मूव्ड, एक्मे हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली प्रोग्रामिंग। तो ट्रेडिशनल फैमिली प्रोग्राम से मूव हो गया, कुछ और कर रहा है एंड नाउ ड्रॉज ऑन द, ठीक है, प्रोडक्शन बोथ ऑफ एडल्ट एंटरटेनमेंट्स हु वर्क फॉर मैगजीन्स एंड ऑफ दोज। ठीक है, नाउ ड्रॉज ऑन द प्रोडक्शन, नाउ ड्रॉज ऑन द वर्क्स ऑफ एडल्ट एंटरटेनमेंट बोथ, ठीक है ना, दोज हु वर्क फॉर मैगजीन्स एंड दोज हु वर्क। और देखिए, इट ड्रॉज बोथ दोज वर्किंग, ठीक है, यहाँ पर बोथ एडल्ट के लिए आया हुआ है, ड्रॉज ऑन द वर्क्स ऑफ बोथ ऑफ एडल्ट के लिए आया हुआ है, ऑन द वर्क नाउ बोथ एडल्ट के आया हुआ है। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ दिस वर्ड बोथ, बोथ, वेरी, मेयरली, ओनली, देर आर सो मैनी गाइज मिसप्लेस्ड होते हैं, बोलो, वी विल कीप इन योर माइंड, वी विल कीप इन माइंड। समझा कि नहीं, कि हम सर याद रखेंगे। अगर हम बोथ को पहचान लेते तो 1, 2, 3 थ्री ऑप्शन रोल आउट हो जाते, हमारे पास बी और सी बचता, सही यस और नाउ, यस और नाउ, नाउ एंड नाउ ड्रॉज। ऑलराइट, अब यहां पे इट लिखा हुआ है, अननेसेसरी रिपीटिशन, रिपीटिशन लिखा हुआ है। द फैमिली ओरिएंटेशन कंपनी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द एंड, ठीक है, अब एक्मी ने एक काम किया एंड दूसरा काम किया, एंड, ठीक है, ठीक है, लेट्स से, लेट्स से, लेट्स से राहुल, ठीक है ना, डिड समथिंग एंड वेंट देयर, तो वन सब्जेक्ट वर्ब एंड वर्ब, ऑल गुड, व्हाई आर यू रिपीटिंग दिस अननेसेसरी। समझ गए, अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, नहीं, बोथ ऑफ देम आ सकता है, बोथ के साथ ऑफ क्यों पकड़ा कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं बोथ गलत लोगों को मॉडिफाई कर रहा था यार, तुम बोथ के साथ ऑफ देखा, मैं ये कहता हूं एडल्ट के लिए बात कर रहा था, वो गलत था, बोथ के साथ ऑफ गलत नहीं था, तुम गलत चीज का ही देखते हो, गलत एक्सप्लेनेशन का ही क्रिएट करते हो अपने दिमाग में। अब पढ़ के देख लीजिए सब लोग, एक्मी, ठीक है, हैज मूव्ड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली प्रोग्रामिंग एंड नाउ ड्रॉज ऑन द वर्क्स ऑफ एडल्टमेंट बोथ दोज, ठीक है, हु वर्क फॉर मैगजीन्स एंड दोज हु वर्क, जो मैगजीन काम करते हैं, दोज हु वर्क इन द मूवी इंडस्ट्री, तो मैगजीन और मूवी उन लोगों के लाया हुआ था। 27, चलिए, अच्छा एक वीडियो शेयर कर दीजिए सब लोग, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, ओनली 31 गाइज वॉचिंग, 50 तो होना चाहिए ना, 50, अंकित आ जाएगा समझ में, तुम डेली आया करो, पहली बार क्लास देख रहे हो, हाईएस्ट लेवल पढ़ा रहा हूं दोस्त, इतना आसान होता तो सब कोई कर लेता, लेकिन सीखना चाहते हो ये बोल दो, सच में सीखना चाहते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करने आए तो अलग बात है, दो मिनट आए चले जाओगे, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ मेरी प्लस क्लास पढ़ते हैं, मेरा हिंदू क्लास पढ़ते हैं, मेरी स्पेशल क्लास करते हैं, ये उनके लिए है। तो अंकित बस एक काम कर दो, ठीक है, सुबह की द हिंदू क्लास देखो और पिछली 10 से 15 हिंदू क्लास देखो मेरी, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा आपको स्लोली स्लोली, डॉक्टर का एक कोर्स नहीं होता है तो ये कोर्स होगा, आज मैं तुझे सुनाऊं सो और सच की कहानी। चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाता है।
चले आओ। देखिए जब सो आता है तो सो जब इंटेंसीफायर बन के आता है, ठीक है, और जब डिग्री बताता है किसी चीज़ की, इंटेंसिटी बताता है, तो टेक्स एडजेक्टिव। और सच के साथ में दो कहानियाँ आती हैं, सच विल फर्स्ट टेक एडजेक्टिव और देन विल टेक नाउन। प्लीज नोट डाउन एंड इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दिस हेयर प्लीज लेट मी नाउ। अंकित एक सॉल्यूशन दे दिए, बार बार हम आपको नहीं बता पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ द हिंदू क्लास होती है सुबह एडिटोरियल, पिछले 15 द हिंदू देख के मुझे बताओ, 15 डन हो गए और 2 दिन में ख़त्म कर दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बात बताऊँगा ट्रिक बेस्ड वीडियोस। नहीं आती है इंग्लिश, मेरे का कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी खराब है तो सब कह रहे हैं, ये बताओ कर सकते हो, जो बहुत कम लोग बोलते हैं। आइए बट मेरे पास तुम्हारे में फ्री में ही पूरा सॉल्यूशन है आपके लिए। और क्लास होगा भाई। तो ऑल दो कॉफ़ी इज़ नॉट यूजुअली कंसिडर अ ड्रग, ठीक है, ओके। कितना लोग मानता है सो और सच तो वैसे ही चला गया था, बिकॉज अगर यहाँ ऑल दो लिखा हुआ है तो इधर कोई भी कनेक्टर वर्ड नहीं आता है, नो कंजंक्शन, नो कनेक्टर वर्ड, नो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आता है, ठीक है। अगर ऑल दो इधर आ जाए तो यहाँ नहीं आता है, पहली बात तो ऐसे चला गया था। बाकी देखते हैं, सो एडिक्टिव, एडिक्टिव एडजेक्टिव लुक्स गुड, सच एडिक्शन, यू आर सच अ गुड बॉय अंकित, यू आर सच अ गुड बॉय, यू आर सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो सच के बाद में हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव आ रहा है, पर्सन नाउन आ रहा है, तो सच में एडजेक्टिव नाउन होता है, इधर नहीं है। सो एडिक्टिविटी इज ऑल राइट, सच इज इट्स एडिक्शन, तब भी सच गया, देर इज सो मच एडिक्शन। कहानी समझ में आ गई आपको, ये और ये चला गया, ये भी गया, यह सच की वजह से गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ चलिए, कल पूरा देख भाई, फिर मैं तुझे ट्रिक्स वाली वीडियो बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, द सर्वे शोड दैट चिल्ड्रन आर मच मोर ओके फिजियोलॉजिकली स्टेबल व्हेन रेज्ड इन अ फैमिली विद टू, ओके साइकोलॉजिकली है हाँ, विद टू पेरेंट्स देन इन अ फैमिली वेयर वन पेरेंट ओनली केयर फॉर द चाइल्ड। दो पेरेंट हों उनमें बच्चा ज़्यादा बेहतर होगा, एक पेरेंट होगा उसको करेगा, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं होगा। कौन सा रूल लगा हुआ है, एनी हिंट गाइज, गलत किया आप लोगों ने, अंशिका का करेक्ट है, अर्पित का करेक्ट है, गुड जॉब भाई अर्पित, नाउ स्टे विद मी। व्हेनेवर यू रीड ए सेंटेंस ना, कोई वर्ब मिले, कोई प्रीपोजिशन मिले, उनसे हेलो बोला करो, बिकॉज वो लोग तुमको पैरेलल स्ट्रक्चर दिखा सकता है। आइए स्टे विद मी, द सर्वे शोड, शोड टेंस, द चिल्ड्रन आर मच मोर साइकोलॉजिकली स्टेबल व्हेन रेज्ड इन अ फैमिली, व्हेन रेज्ड इन अ फैमिली विद टू पेरेंट्स देन इन इन अ फैमिली इन। तो दोस्त क्या लगता है, ऑलराइट वेन रेज्ड इन अ फैमिली विद टू पेरेंट्स देन इन अ फैमिली। और ये देखिए, वेयर दिखाता है प्लेस को, फैमिली इज नॉट अ प्लेस, ठीक है, सो वेयर से गया, ये भी तो चला ही गया, वेयर से गया, इन विच, इन विच, इन विच,
सैंडविच। समझ में आया? बोले पहला जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ देखा, वेयर का कॉन्सेप्ट देखा, यस एंड नो, वेयर क्लियर, व्हेन टाइम आता है, इन विच, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। नाउ व्हेन रेज्ड इन अ फैमिली दैट टू पेरेंट्स देन इन दैट फॉर अ फैमिली, तो ये स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है। देन इन अ फैमिली इन विच ओनली वन पेरेंट, सुनना, ओनली वन पेरेंट मतलब दो मम्मी पापा में से एक पापा या मम्मी, अच्छा, दोज आर फैमिलीज इन विच वन पेरेंट ओनली, वन पेरेंट ओनली, ओनली केयर्स, वो सिर्फ केयर करता है, सड़ा केयर नहीं करता, या सड़ा केयर करता। माई पॉइंट इज कि ओनली केयर और ओनली वन पेरेंट टू डिफरेंट स्टोरीज, वो सिर्फ केयर करता है, प्यार व्यार नहीं करता कुछ भी, ठीक है। सो वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड री इमर्ज्ड हुआ है, समझ में आया? वैगाबॉन्ड, कितने लोगों को वैगाबॉन्ड समझ में आ गया है? एनीवन, जिन लोगों ने अभी पूछा था, दोज गाइज हु वर आस्किंग मी इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज वैगाबॉन्ड, अंडरस्टूड द पोजीशन ऑफ ओनली इज इनकरेक्ट, मॉडिफाइंग अ टोटली डिफरेंट वर्ड एंड गिविंग अ टोटली डिफरेंट आइडिया, डिस्टॉर्शन। तो इधर हम लोग कितना कितना ट्रिक लगाया, देखिए, ओनली का केस यूज करा, वेयर का केस यूज करा, पैरेललिज्म, रेज्ड इन अ फैमिली दैट इन अ फैमिली, ऑलराइट, सो ये वाला ही करेक्ट चल रहा है। गुड जॉब, गुड जॉब। एक टाइम आएगा, इट 50% ऑफ यू ऑलरेडी स्पीक माई लैंग्वेज, 50% आप भी आधा डाल लीजिए, मेरी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दोगे, कोई ऐसी एरर नहीं है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तुम। द सीईओ हैज प्रपोज्ड अ न्यू पॉलिसी रिक्वायरिंग दैट एम्प्लॉई शुड रिटेन ऑल पेंशंस इनडेफिनेटली और बी अलाउड टू कैश देम इन एट रिटायरमेंट। क्या लगता है गाइस, व्हाट इज द रूल हेयर? ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, ऑब्जर्व ऑल पेंशंस, टू रिटेन ऑल पेंशन, रिटेंशन ऑफ ऑल पेंशंस, एम्प्लॉय ऑफ ऑल पेंशंस, बी रिटेन्ड बाय एम्प्लॉयज, शुड रिटेन ऑल पेंशंस, ऑब्जर्व कीजिए, देन यूज योर नॉलेज दिमाग कॉन्सेप्ट एंड देन यूज एलिमिनेशन। ओके, बी और ई में कंफ्यूज हैं, यह सभी गोयल उसी में कंपैरिजन है। आइए लेट्स ट्रांसलेट इट इफ वी हैव टू। द सीईओ हैज प्रपोज्ड न्यू पॉलिसी रिक्वायरिंग, ठीक है, और देखो रिक्वायर के साथ में दो स्ट्रक्चर चलती हैं। इट्स अ ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू, प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिए, ठीक है। एक रिक्वायर के साथ में चलता है, रिक्वायर समवन टू, ठीक है ना, समथिंग, समवन टू डू समथिंग,
इस तरह से एक रिक्वायर के साथ में आता है दैट और फिर आता है जीरो इन इन्फिनिटिव. जीरो जानते हो ओनली बी वन जीरो इन इन्फिनिटिव. आइए द सीईओ हैज प्रपोज्ड अ न्यू पॉलिसी रिक्वायरिंग एम्प्लॉइज टू रिटेन रिक्वायरिंग समवन एम्प्लॉइज टू डू टू रिटेन. ये वाला फॉलो कर रहा है देखिए रिटेन ऑल पेंशंस इनडेफिनेटली पेंशंस को रिटर्न करने के लिए एक रिक्वायर का दैट आता है दैट के साथ में जीरो ओनली बी बनाता टू नहीं आता. रिक्वायरिंग दैट एम्प्लॉइज ठीक है शुड रिटेन ऑल पेंशन दैट ऑल पेंशंस बी रिटेन्ड. पैसे भी लिखा हुआ बेवजह गलत है रिटेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ये गलत है. ओके रिक्वायरिंग एम्प्लॉइज रिटेंशन ऑफ ऑल पेंशंस ऑकवर्ड ई करेक्ट आंसर ई इस पर फिट हो रहा है someone to do something. All right. All right. कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छे से देख लीजिए. द सीईओ हैज प्रपोज्ड प्रपोज्ड व्हाट अ न्यू पॉलिसी. All right. कुछ लोगों का सही गया है कुछ लोगों का सही गया है. रिक्वायरिंग एम्प्लॉइज टू रिटेन ऑल पेंशंस इनडेफिनिटली और बी अलाउड टू कैश देम इन रिटायरमेंट. नेक्स्ट देखिए 30 नंबर. लेकिन वो और के बाद का पार्ट हो गया है. नेक्स्ट देखिए द रीसेंट डिस्कवर्ड नोट्स ऑफ द राइटर सडनली रिवील्ड. कई सारे राइटर्स होते हैं उनके नोट्स होते हैं और ठीक है और वो अगर राइटर मर गया है कुछ भी तो उसके नोट्स लोगों को मिलते हैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियां. चलिए गाइस एक दूसरे पर से कमेंट मत कीजिए फोकस कीजिए. रिसेंटली डिस्कवर्ड नोट्स ऑफ द राइटर सडनली रिवील्ड दैट दिस मोस्ट टिमिड एंड शाय ऑफ वुमेन वॉज एन इंटेलेक्चुअल. ओ गॉड ओके करिए कोशिश करिए सब लोग. नोटिस कीजिए कंपेयर करो पता चल जाएगा. गलत आंसर मत दीजिए. अगर आप थोड़ा सा बात करो ना सेंटेंस से तो आपको आंसर मिल जाएगा. फाइनल आंसर प्लीज. अर्पित करेक्ट ठीक है ना आशीष सोनी करेक्ट सुमन रानी जेनी एंड सो मेनी अदर गाइज. चलिए बहुत से हो गया. द रिसेंटली डिस्कवर्ड नोट्स ऑफ द राइटर सडनली रिवील्ड दैट दिस मोस्ट डिमांड शाय वुमेन वॉज ठीक है एन इंटेलेक्चुअल जाइंट गाइडेड इन बोथ इमोशनल एंड
गाइडेड इन बोथ इमोशनल एंड ठीक है बोथ और एज और राइट गिव मी अ चेयर गिव मी अ थम्स अप अगर बोथ और एंड जो हमारा डेली वाला बंदा है जिसको अपने द हिंदू क्लास में स्पेशल क्लास में प्लस क्लास में हम हर जगह पढ़ते हैं पेड कोर्स में कई बार पढ़ा है मैंने पहचान लिया था आप लोगों ने कंपेयर करना सीख रहे हो कि नहीं ऑब्जर्व करना सीख रहे हो अंकित भाई कहाँ हो ऑब्जर्व समझ रहे हैं बोथ एंड होता है बोथ एंड होता है तो सुन मेरे दोस्त ई डी है ना और बी आई एम लेफ्ट विद ए एंड सी नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग ओके ये क्वेश्चन है मेरे सामने आई मीन एग्जाम हॉल राइट नाउ एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग नो प्रॉब्लम बट आई नो वन थिंग आई लव टू ऑब्जर्व आई लव टू ऑब्जर्व पीपल आई लव टू ऑब्जर्व ऑप्शंस हे यू हैव समथिंग यू नो द कॉमन स्टोरीज एंड नॉट सो कॉमन स्टोरीज और देन आई वेरीफाई बिकॉज आई नो माई कंसेप्ट आई हैव वॉच्ड ऑल द यू नो पेड क्लासेस मैंने बुक्स पढ़ी हैं मेरे को रूल्स पता हैं तो देखते हैं बोथ एंड वाला है अब मेरे को ए और सी बचता है डायरेक्ट बात करते हैं रिवील्ड ठीक है हाँ दिस मोस्ट टिमिड एंड शाई वुमेन वॉज ठीक है एन इंटेलेक्चुअल जाइंट गाइडेड इन बोथ इमोशनल एंड दैट सी वॉज गाइडेड वर्बोज वर्बोज लेडीज एंड जेंटलमैन एवरीबडी टाइप इन द कमेंट सेक्शन इफ यू अंडरस्टैंड वर्बोज बर्बोज मीन्स यूजिंग मैनी मैनी एक्स्ट्रा वर्ड्स ठीक है आप वही कहानी एक सिंपल सेंटेंस में भी कह सकते हो बर्बोज ज्यादा बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट यू नो रॉयल इंग्लिश लैंग्वेज डजंट लाइक द सेंटेंसेस हैविंग वर्डीनेस ओके जिसमें बहुत ज़्यादा शब्द हों घुमा फिरा के सरकम लोक्यूशन हो रहा है इंग्लिश को भी पसंद नहीं है मुझे भी पसंद नहीं है बर्बोज सो नेवर बी बर्बोज नोबडी लाइक्स बर्बोज 31 एक चीज ऑब्जर्व करो तीन ऑप्शन रोल्ड आउट कोई बता सकता है कौन सी चीज है This one super should be easy. Stop, stop, stop. Declining values. Declining what? Values for bonds. Local trend fan in the house make some noise. तुम रुके थे तुमने values को hello बोला था. Have you got some values? Do you follow my rules? Do you follow my way of solving questions? My way of living life? My standards? Can you match my standards? My point is, तुम bullet train करके भाग गए थे या तुम इसको observe किए थे? अगर तुम इसको observe कर लेता तो देख कैसे magic होता तुम्हारी जो जिद है ना बदतमीजी करने की उसको सुधारना है ठीक है आइए declining values for bonds. ओके हाँ देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं हाँ कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया है बोल रहे हैं ठीक है ना ओके द फाइनेंस ऑफ व्हीकल अगेंस्ट विच इन्वेस्टर हैज टू गेट थ्रू द वेयर मार्केट इज वैल्यूज इज वैल्यूज इज वैल्यूज इज मेरे को आंसर देखने का है दो चार सॉरी बुलवाने का मन कर रहे हैं ठीक है
अभि गोयल, आशीष सोनी, ठीक है, जैनी, अब सब डिलीट कर रहा है, सब डिलीट करेगा। कैप्टन मार्वल, कैप्टन मार्वल तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है। गंगाधर जी, अब बोलिए क्या लगता है कितने सॉरी आएंगे अभी कमेंट सेक्शन में। तुमको बोले थे कि बुलेट ट्रेन मत बनो, जब घर से निकलते हो नेता बनो, नेता या पॉलिटिशियन, घर से निकलते ही सबसे अपने घर वालों, अपने घर वालों को अंदर घर में डांट रहा होगा, लेकिन बाहर निकलते ही नमस्ते नमस्ते पापा जी, ठीक है। पापा जी को खाना तक नहीं खिलाता ढंग से, पापा जी को बांध के रखा हुआ है, लेकिन अगर पापा जी बाहर बैठे हुए हैं रोड पे और नेता अपने घर से निकल रहा है, नमस्ते करेगा, आप मिलके नमस्ते करेगा, आप छोटी सी बच्ची हैं, आपके पैर छुएगा, ऐसे करेगा, ले बेटा चॉकलेट खाना, सब सब इतना प्यार दिखाएगा, कुत्ते बिल्ली सबको नमस्ते करेगा, वो बंदा वोट चाहिए ना उसको। यू ऑल्सो बी ए पॉलिटिशियन। जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हो ना, हर हर शब्द को इम्पोर्टेंस दो। विल यू, कैन यू बी द पॉलिटिशियन, यू नो पॉलिटिशियन इज अ पर्सन विच आई कांट एक्सप्लेन, माय पॉइंट इज इन द वर्ल्ड एवर, मतलब हर जगह है। सो जस्ट बी लाइक दैट, एक इंसान लोगों की अप्रिशिएशन लेने के लिए, लोगों का रिस्पेक्ट लेने के लिए, लोगों का हालचाल पूछने के लिए, यू नो, और सबसे नमस्ते करता है वोट लेने के लिए। तो तुम भी हर से ठीक है, हर शब्द से बातें करो, नहीं समझ आया, अगर तुम इतनी बात नहीं समझ सकते हो तो देन आई एम सॉरी। चलिए, पढ़ना ही नहीं था, 3 सेकंड, 3 ऑप्शन चला गया, ओके चलिए 10 सेकंड कर लेते हैं। ऑलराइट, डिक्लाइनिंग वैल्यूज फॉर बॉन्ड्स विच इन्वेस्टर्स यूज एज, ठीक है, बॉन्ड्स द फाइनेंशियल व्हीकल्स अगेंस्ट विच इन्वेस्टर हैज टू गेट थ्रू द बियर मार्केट, बियर मार्केट आर, विच इन्वेस्टर यूज एज फाइनेंशियल व्हीकल टू हैज अगेंस्ट टू गेट थ्रू, टू हैज अगेंस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल व्हीकल अगेंस्ट विच इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो ये वाला हमारा अगेंस्ट करेक्ट है, ये डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल लैंग्वेज है। चलिए गाइस प्लीज फोकस, मार्केट आर, ठीक है, आर गोइंग टू फोर्स करंट ट्रेडिंग टू इंक्रीज, फाइनेंशियल व्हीकल अगेंस्ट विच इन्वेस्टर्स, आपके पास घर होता है उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हो ना। चलिए 32, अब ये सीरीज मैंने स्टार्ट करा, कितना बेनिफिट कर रहा है आपको, कितना अच्छा हुआ। देखो वन लाइनर करते रहते, यू नो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, रूल्स उधर भी होते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी था। बट मैं बोलता हूँ यही लर्निंग नहीं है, लर्निंग होती है प्रॉपर क्लासरूम ट्रेनिंग लेना, प्रॉपर नाउन प्रोनाउन सब कुछ सीखना, ठीक है, पूरे प्लस कोर्स पढ़ो 10 बार, किताबें पढ़ो अगर कोर्स नहीं पढ़ने हैं तो, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ 10 बार, तब ये पढ़ो। तुम में से 80% क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता है, कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मिसगाइडेड रहता है, 3 साल तक मिसगाइड रहता है, फिर कहता है पता नहीं किस्मत ख़राब थी, मैं तो बहुत पढ़ा, अभी तो गलतियाँ कर रहा था, गलत तरीके से पढ़ रहा था, गलत रास्ता पकड़ा हुआ था, फिर कहता है कि मैं मंजिल क्यों नहीं पहुँचा। बट अगेन, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस। हमारा तो काम है अवेयर करना। थर्टी टू का फोकस कीजिए नाउ, 32, एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क इन्वॉल्व आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम हुज आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल इज द सेम।
गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब। कैन बी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। आई हैव टॉट इट ऑलरेडी दोज गाइज हु कैन रिलेट टू इट। लिखना कि या सर वी डू रिमेंबर। ठीक है, रेडी हो? अगर ये आपको पता हो तो दो ऑप्शन, खल्लास विद इन सेकेंड्स। आइए, द सेम इज एन एडजेक्टिव, means the same always 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 need always need a noun। जब कोई एडजेक्टिव होता है तो उसको नाउन चाहिए होता है। विदाउट नाउन एडजेक्टिव्स आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। विदाउट नाउन एडजेक्टिव्स कांट एग्जिस्ट। ओके, अब इधर देखिए, ये बात आप जानते हो। ठीक है, अगर आप ये बात जानते हो तो इज द सेम, द सेम व्हाट, द सेम बॉय, द सेम गर्ल, द सेम टीचर, द सेम हेयर, द सेम टी शर्ट, द सेम वॉच। समझ रहे, नाउन मिसिंग है कि नहीं, नाउन मिसिंग है कि नहीं। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको याद आ रहा है तो, गिव मी अ थम्स अप। कोई पहली बार सीखा है क्या? ठीक है, ऑलराइट। द सेम आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल, द सेम आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल, द सेम आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल। नाउ 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 ना है, नाउ बी सी डी लुक्स गुड। अब बी सी डी में हम कुछ और एरर निकालेंगे। ठीक है, अब कह दो कि मैं कैट जी मैट आपका लेवल पढ़ा रहा हूँ आपके बैंक के लिए, और कैट जी मैट में भी मेरी कहानी है, तो माई स्टोरीज आर यूनिवर्सल। जाइए और दुनिया में सबको बताइए और खुद भी रहिए। ठीक है, आओ अब हम लोग क्या देखते हैं, हाँ बी सी डी को देखते हैं। अच्छा, एक एक चीज और बता देते हैं, एक्सेप्ट फॉर, प्लीज नोट डाउन, यू विल मोर। ठीक है, यू विल फाइंड इट इन डिफरेंट डिफरेंट इन लाइक बॉक टेस्ट। एक्सेप्ट फॉर, ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, फॉलोड बाई अ फ्रेज means group of random group of words। ठीक है, not sentence, sentence होता है complete। so except for internal networks involved, तो ये पूरा का पूरा क्या है, sentence है। now only except for his demeanor, except for his behavior, phrase चाहिए होता है, sentence नहीं चाहिए होता है। brand new information, please note down। एक्सेप्ट फॉर क्लियर बोलिए, तो एक ही सेंटेंस में मैं आपको 10 बातें बता सकता हूँ। एज वेल एज, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क्स इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम विद द सेम प्रोटोकॉल, ऑलराइट। अनलेस इंटरनल नेटवर्क्स इन्वॉल्व, ठीक है, आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विच हैव, ठीक है, विच हैव द सेम आइडेंटिकल प्रोटोकॉल, ऑल लेगेसी मल्टीकल नेटवर्क नीड सॉफ्टवेयर इम्यूलेटर्स in addition to inter network between। ठीक है, तो unless वाला हमें condition चाहिए था। अब आप में से कुछ लोग कैसे सॉल्व किया होगा, और वो लोग बताना कि अपना नाम बताइएगा जो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट देखा था, except for as well as unless in addition to together with, ये connectors हैं। समझ गया, ये कितने लोगों ने किया था, तो वी आर गिविंग अ कंडीशन हियर, सो टुगेदर विच इज नॉट कंडीशन, इन एडिशन इज नॉट कंडीशन, एज वेल एज नॉट कंडीशन, ऑलराइट। ठीक है, तो अनलेस ही कर दिया होगा। 33, यस आई नो कि व्हाट यू, समझ गए, मेरे को एक कहानी के सारे एस्पेक्ट पता होते हैं। नया लोग क्या सोच रहा था, जो ज़्यादा जानता है वो क्या सोच रहा था, तुम में से कुछ लोग क्या किए थे, मैं किस चीज़ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑलराइट। आई नो मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट, गुड जॉब गाइस, आर यू लविंग इट?
गाइस क्लास पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, कुछ चैलेंज हो रहा है, कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं, बोलिए। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, प्लीज सही कर देना। वंडरफुल, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू माय फ्रेंड्स, यू गॉट इट राइट, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, कौन सी कॉन्सेप्ट लगाया हो। आई ऑलवेज यू नो लव दिस वन। कोई है यहाँ पे जो बता सकता है कि सर वो वाला कॉन्सेप्ट है? प्रोनाउन एम्बिगिटी, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। एक बच्चा बैठा है इधर, पता नहीं किसका है, शर्मा जी आपका है क्या जी, गुप्ता जी आपका है क्या बच्चा जी, अभरा बच्चा बैठा है किसी का। प्रोनाउन, वेन एवर देर इज अ प्रोनाउन, कंसिडर प्रोनाउन द किड इन द फैमिली। और एक किड किसी रेलवे स्टेशन पर किसी का खो गया है, और कोई बच्चा तुमको दिख रहा है और पूछो भाई तुम किसके है, छोटा बच्चा है नहीं बता पाएगा मम्मी पापा, तो तुम्हें डिसाइड करना है। बच्चे से पूछ लो, अगर बोल पाए तो बता दे दो ठीक है भाई तू किसके लिए आए, और ना पता चले तो फिर एक काम करो, पुलिस को दे दो, उसे हटा दो यहां से, ठीक है। आइए, इन वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग विक्ट्रीज, वन ऑफ फॉलोड बाय विक्ट्रीज, याद आया? चलिए, इन वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग विक्ट्रीज इन द वर्ल्ड वॉर वन, द न्यूली फॉर्म्ड सोवियत कम्युनिस्ट स्टेट वॉज राउटेड बाय द पुलिस जनरल, खत्म कर दी गई थी, राउटेड जोसेफ प्लिसकी, ऑल राइट, डिमांडिंग दैट इट शुड पुश बैक इट्स बॉर्डर्स ईस्ट ऑफ विल्नियस, ऑल राइट। अब देखिए ये देयर कौन है, समझ रहे, ये देम कौन है, इनसे क्वेश्चन पूछो। अगर हमारा कम्युनिस्ट स्टेट की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो दे और देम कैसे हुआ माय लॉर्ड। अब ये जोसेफ भाई हैं, जोसेफ, इसके लिए हु लगाओ, ठीक है, जोसेफ के लिए हु लगाओ, एंड मत लगाओ, एंड मत लगाओ, एंड मत लगाओ। जब डी और ई बचा हो तो इसको देम को बोलो कि तू हट यहाँ से, हैशटैग डी, अंडरस्टूड। स्टेप्स फॉलो कीजिए, ग्रामर होगा, बट आई एम श्योर यू एग्री विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तुम कितने भी यू नो ये कहानियाँ कर लो, बट विदाउट कॉन्सेप्ट नॉट पॉसिबल, यू नो। बट कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशंस, इलिमिनेशन अप्रोच तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग विक्ट्रीज, नंबर वन, द न्यूली फॉर्म्ड सोवियत कम्युनिस्ट स्टेट वॉज राउटेड बाई द जनरल हु, ठीक है, डिमांडेड दैट इट पुट पुश बैक इट्स बॉर्डर ईस्ट ऑफ, तो वो स्टेट वापस चला जाए, पुश बैक, वापस दे। 34 एवरीवन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट या आइए साथ में करते हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग अराउंड सर्टेन अप्रॉक्सीमेट स्टार्स स्ट्रांगली सजेस्ट दैट, कुछ अभी भी डिस्कवर हुआ है, क्या सजेस्ट करता है, दैट द नाइन प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर अ कॉमन फिनोमेना इन द यूनिवर्स। नौ एक जैसे हैं, ओके, रादर देन डेवलपिंग इंसिडेंटली फ्रॉम अ यूनिक गैलेक्टिक फिनोमेना सेवर बिलियन, मतलब वो इससे नहीं डेवलप हुए, वो एक जैसे हैं। राधा और इंस्टीट्यूट ऑफ
Now you must be wondering कि shall we go for rather than या shall we go instead of? Rather than होता है कि negatively, instead of replacement. So are we talking about replacement or are we choosing a process? ठीक है, मेरे को ना घर पे बैठ के मूवी देखना है rather than, ठीक है, go out in the night. तो when दो चीज़ों में choose करते हो rather than, और rather than के बाद आता है negative वाला जो तुम्हें पसंद नहीं है. Rather than और instead of, इस पे करिए. ये 3:2 का रेशियो है. अगर डिसाइड कर लिया कि rather than नहीं आएगा तो फिर हमारे पास 2 विनर होगा, 3 लोग गायब हो जाएगा एक सेकंड में. और वाइस वर्सा 3:2, 2:3 कुछ भी हो सकता है. श्रुति गुप्ता बिल्कुल करिए, लेकिन अनअकैडमी पर लेटेस्ट चल रहा है तो आप इसको भी पढ़िए. ओवर होने से प्रिपरेशन तो नहीं हो जाती ना दोस्त, प्रिपरेशन तब होगी जिस दिन सिलेक्शन होगा. कोर्स ओवर होना क्या प्रिपरेशन होना होता है गाइस? कैन यू प्लीज हेल्प मी? कंटिन्यू कीजिए, फाइंड वेज टू कंटिन्यू. ओके, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो और एक भी गलती मत करना, चूकना मत. सबने गलत कर दिया. कितने सही करा है? नाउ डी कर रहे हैं, सब ने गलत किया है. गंगाधर ने बी किया है एक्चुअली. ओनली 1% गॉट इट आई गेस. आइए, रिसेंटली डिस्कवर ग्रेविटेशनल लेंसिंग अराउंड द सर्टेन प्रॉक्सिमेटी स्टार्स स्ट्रांगली सजेस्ट दैट द 9 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर अ कॉमन फिनोमिना, ठीक है, इन द यूनिवर्स. ऑलराइट, वो एक कॉमन फिनोमिना है रादर देन अ टाइप दैट डेवलप्ड इंसिडेंटली फ्रॉम अ यूनिगैलेक्टिकल फिनोमिना. तो फिनोमिना को ही कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, और समझ गए. तो 9 प्लैनेट्स एक जैसे ही हैं, एक सिमिलर ट्रेट्स फॉलो करते हैं, करेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, रादर देन डेवलप्ड फ्रॉम अ गैलेक्टिक फिनोमिना. चलिए और सुनिए, रादर देन डेवलपिंग, देन के बाद में कौन सा आता है? B4 मतलब ING फॉर्म नहीं आता है, समझ गया. B5 नहीं आता है, B3 नहीं आता है, V2 फॉर्म नहीं आता है. देन के बाद में आता है ओनली फर्स्ट फॉर्म, द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये तो हमारा ऐसे गलत हो गया. एग्री करते हो आप लोग? रादर देन अ टाइप, नाउन और नाउन, अ टाइप और दैट डेवलप्ड इन इंसिडेंटली फ्रॉम अ टाइप हुज डेवलपमेंट वॉज इंसिडेंट ऑल ऑफ, ये तो वैसे गलत है, ये भी गलत है. सो बी करेक्ट आंसर है हमारा, बी. 9 प्लैनेट्स एक फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना, रादर देन दिस अदर फिनोमिना. बी करेक्ट आंसर है. 35, खुद पे डाउट मत करिए, मैं तो आपको सारी कहानियां बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. द ग्रेट वॉल इज
ग्रेट वॉल स्पेस एजेंसी रिसेंट अटेम्प्ट्स टू लॉन्च अ मैन इनटू स्पेस अ मेजर गोल ऑफ देयर स्पेस प्रोग्राम फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब ये कॉमा कॉमा आ गया, तो सबसे पहले मैं क्या नोटिस करेगा इस क्वेश्चन में, ये कॉमा और कॉमा, दिस कॉमा कॉमा इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द नेचर ऑफ दिस वर्ब। इसको कौन अफेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट। अंडरस्टूड है तो थम्स अप दीजिए कि सर इतना तो हम पकड़ लेंगे, वी नो दिस। दिस कॉमा कॉमा इज एक्स्ट्रा पार्ट, सो यू कैन हाइड इट फॉर करेक्ट सब्जेक्ट, करेक्ट सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। चलिए स्टार्ट हो जाइए। और अगर इस बात को समझ गए तो कितने मिनट का क्वेश्चन है ये, कितने सेकंड का क्वेश्चन है ये। डू यू नो कॉमा अप्रोच, लिख दीजिए सब लोग, यस सर वी नो कॉमा अप्रोच। और हम सेकंड्स में कर दिए, हमने देखा कि अटेम्प्ट्स हैव होगा, डी और इज क्लोज, ठीक है, हैज नॉट सब्सटेंशियली डिक्रीज द गैप दैट एग्जिस्ट, हैव नॉट बीन सब्सटेंशियल इन डिक्रीज। ओ हो बर्बोज 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 की बू आ रही है, बू। चलिए कौन बताएगा, अच्छा मेरे को बू से याद आ गया, हेलो, कि हाँ वैसे लव्ड वन भी एक दूसरे को बू बुलाते हैं, बट उस बू को पर नहीं फोकस करते। इधर आते हैं बी डबल ओ और डब्ल्यू डबल ओ बू, इन दोनों का डिफरेंस याद है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, परेशान मत हो दोस्तों के। तो ये बू का मतलब होता है बूइंग, जो होती है क्रिकेटर ने अच्छा शॉट नहीं मार पाया तो बूइंग कर दिया, ठीक है, तो डिसअप्रूव करना किसी को, किसी की परफॉर्मेंस को, किसी की प्रेजेंस को। कोई एक्टर आपके सामने से गुजर के जाता है और लोग बू करना स्टार्ट करते हैं, बू लाइक दैट, ठीक है, और इस बू का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, जब आप किसी को, ठीक है, इन 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 बॉलीवुड फिल्मों में द एक्टर, ओके, गुरुदेव इमरान हाशमी, तो ही इज़ ऑलवेज बूइंग द लीडिंग लेडीज इन हिज ओन स्टाइल, करिश्मेटिक स्टाइल, अट्रैक्ट करना। तो फिल्मों में दिखाया जाता है कैसे हीरो, ठीक है, हीरोइन के आगे पीछे घूमता रहता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये क्या था, बर्बोज था, गलत था। 36, चलिए चलिए आंसर प्लीज।
गलत कर दिया आप लोगों ने, सब ने गलत कर दिया। आई डोंट नो कैसे गलत किया है, आइए चेक करते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। नॉट अ सिंगल पर्सन गॉट इट राइट। आओ, मोस्ट एमबीए प्रोग्राम्स नाउ, ठीक है, हाँ, मैंडेट मैंडेट मैंडेट, हैव अ मैंडेट हैव अ मैंडेट, ठीक है, मैंडेट दैट दैट पोटेंशियल एप्लीकेंट्स, ठीक है, वी फिनिश्ड विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर अप्लाइंग। ऑलराइट, मैंडेट पोटेंशियल, ऑलराइट ऑलराइट, एप्लीकेंट्स टू बी फिनिश्ड, mandate that potential applicants will be finished, okay, have a mandate for potential applicants finishing। आप लोगों ने क्या करा है, डी किया हुआ है, यस ए ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब सब्जेक्टिव आता है, मैंडेट जानते हो आदेश करना, ठीक है, जब कोई ऑर्डर दिया जाता है सब्जेक्टिव मोड, तो बी वन फॉर्म यूज करी जाती है और उसमें दैट फॉर्म आता है, ठीक है, एस यू बी जे यू एन सी टी आई भाई, ठीक है, जब सब्जेक्टिव आता है तो उसके साथ में दैट यूज होता है स्ट्रक्चर में, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, दैट लगाया था। तो मोस्ट एमबीए प्रोग्राम्स नाउ मैंडेट, वो क्या आदेश देते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, दैट पोटेंशियल एप्लीकेंट्स बी फिनिश्ड, ठीक है, ये दैट मिसिंग है, द पोटेंशियल एप्लीकेंट्स विल बी, ये फ्यूचर टेंस गलत बता रहा है, टेंस इज रॉन्ग, टेंस इज रॉन्ग, हैव मैंडेट, ये भी और ये भी दोनों ही मिसिंग है। तो इसमें दो चीज़ें हमें समझनी थी कि जब सब्जेक्टिव मूड होता है, अगर आप चाहोगे तो इंग्लिश में 4-5 मूड होते हैं, आपको पता है आपका पढ़ने का मूड है कि नहीं है, समझे, कहीं जाने का मूड है कि नहीं, ऐसे इंग्लिश के मूड होते हैं, और इंग्लिश के कितने मूड होते हैं मुझे बताना, इन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर हाउ मैनी मूड्स, ओके, तो उसी में से एक सब्जेक्टिव मूड भी होता है, अगर आप चाहते हो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके, चलिए मैं लिख ही लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ, आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। तो वो दैट आता है सब्जेक्टिव के साथ में, दैट आता है, दूसरा टेंस गलत हो जाता है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी, पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड आप अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दिया करो, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, और हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, योर कमेंट्स काउंट, और अपना फीडबैक दीजिए, माइनस लेके प्लस कितना आपको पसंद आता है। अब हम मिलेंगे अभी इस वाली क्लास में 2 बजे, फिर 3 बजे फ्री क्लास में मिलेंगे अनअकैडमी ऐप, जिनको नहीं पता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फिर 4 बजे मिलेंगे, फिर रात को 10 बजे मिलेंगे, बहुत पढ़ाई पढ़ाई करनी है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के कोर्स में ऑल द टाइम इनरोल्ड रहो, हर वीडियो देखते रहो, वी आर नेवर प्रिपेयर्ड जब तक हमें फाइनल सिलेक्शन ऑफर नहीं मिल जाता है। चलिए टीम नासा कोड लगा करके आप आ सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑल द बेस्ट। ये प्रोफाइल है मेरा, आप इसको फॉलो कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, 2 बजे मिलते हैं फ्री क्लास में, ठीक है, ऑल द बेस्ट, यू गाइज आर ऑसम, कीप इट अप, और डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द बेस्ट। The time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it, chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it. Saadhan si hai ye baat, parikshaa karni hai paas, roke rakhna अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस, पीजे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है।
लड़ जरा कुछ कर दिखा।